हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर यानी कि रॉकी भाई अपनी आ चुकी मच अवेटेड फिल्म यानी कि KGF के चैप्टर 2 के माध्यम से हर दिन कोई ना कोई नया कीर्तिमान बना रहे हैं, कोई ना कोई नया रिकॉर्ड अपनी इस फिल्म के साथ जोड़ते जा रहे हैं। तो चलिए, मैं भी आपको KGF के चैप्टर 2 के उन 5 नए रिकॉर्ड्स के बारे में बताना चाहूंगा, जिसको सुनने के बाद आप भी ये कहोगे कि भाई KGF के जो रिकॉर्ड्स हैं इसको तोड़ने के लिए KGF से भी बेहतरीन लेवल का मूवी बनाना पड़ेगा। तो भाई ये 5 रिकॉर्ड कौन कौन से हैं, चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो भैया चलिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्ड नंबर 1 की। तो भाई रिकॉर्ड नंबर 1 ये है कि KGF का चैप्टर 2 इंडिया की वो पहली फिल्म बन गई है जिसने मात्र 2 दिनों में ही बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़कर हिंदी डब वर्जन के माध्यम से 2 दिनों में 100 करोड़ की कमाई करने वाली पहली फिल्म बन चुकी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड बाहुबली के नाम था। बाहुबली ने 100 करोड़ के जादुई आंकड़े को बॉक्स ऑफिस पर हासिल करने के लिए 3 दिन लिए थे और भाई बाहुबली के रिकॉर्ड को इस फिल्म ने महज 2 दिनों में ही तोड़ दिया है। यानी कि भैया बाहुबली 2 से भी ये फिल्म आगे निकलती नजर आ रही है हिंदी वर्जन के माध्यम से। तो भैया ये तो बात हो गई रिकॉर्ड नंबर 1 की। अब चलिए उन्होंने बात करते हैं रिकॉर्ड नंबर 2 की। तो भैया रिकॉर्ड नंबर 2 ये है कि KGF का चैप्टर 2 लगातार 2 बार हिंदी डब वर्जन के माध्यम से शुरुआती 2 दिनों में ही 45 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करने वाली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन चुकी है। यानी कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक ऐसी कोई भी फिल्म सिनेमा घर में नहीं आई थी जिसने लगातार 2 दिनों तक भैया 45 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया हो बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि KGF का चैप्टर 2 जब बॉक्स ऑफिस पर आया था तो भैया इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारते ही पहले दिन 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था और दूसरे दिन इस फिल्म ने 45 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। और भाई इन्हीं 2 दिनों के कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने भैया बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया था मेरे भाई। तो दोस्तों ये तो बात हो गई रिकॉर्ड नंबर 2 की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया रिकॉर्ड नंबर 3 की। तो भैया रिकॉर्ड नंबर 3 ये है कि KGF का चैप्टर 2 इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो तीसरी फिल्म बन गई है जिसने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का जादुई आंकड़ा महज 2 दिनों में पार करके दिखाया। KGF के चैप्टर 2 से पहले ये कारनामा करने वाली केवल 2 फिल्में हैं और ये दोनों की दोनों फिल्में SS राजामौली की फिल्म है। यानी कि भैया एक फिल्म है RRR तो दूसरी फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2। यानी कि भैया इन दोनों फिल्मों ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पहले दिन ही पार कर लिया था बॉक्स ऑफिस पर। और भाई RRR ने तो पहले दिन के कलेक्शन के माध्यम से बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था बॉक्स ऑफिस पर। और भाई इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है KGF का चैप्टर 2। यानी कि भैया पहले नंबर पर है भैया RRR, दूसरे नंबर पर है बाहुबली का पार्ट 2 और तीसरे नंबर पर है KGF का चैप्टर 2। तो दोस्तों ये तो बात हो गई रिकॉर्ड नंबर 3 की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं रिकॉर्ड नंबर 4 की। तो भैया रिकॉर्ड नंबर 4 ये है कि KGF के चैप्टर 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए RRR को पीछे छोड़ते हुए नंबर 2 का पोजीशन अपने नाम कर लिया है। यानी कि भैया RRR को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से 104 करोड़ का कलेक्शन मिला था, जबकि KGF के चैप्टर 2 को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से 105 करोड़ 50 लाख रुपीस का बिजनेस मिल चुका था। और भाई इस लिस्ट में KGF के चैप्टर 2 से अगर आगे कोई फिल्म है तो भैया वो फिल्म SS राजामौली की फिल्म बाहुबली का पार्ट 2 है, जिसने भैया क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था महज 3 दिनों में वो आंकड़ा था 110 करोड़ 50 लाख रुपीस का। तो दोस्तों ये तो बात हो गई रिकॉर्ड नंबर 4 की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया उस रिकॉर्ड की जो कि हमारे लिस्ट में आखिरी नंबर पर है, यानी कि भैया रिकॉर्ड नंबर 5 की। और भाई ये रिकॉर्ड इतना शानदार, इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त है कि इसको देखने के बाद मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भैया ये रिकॉर्ड तभी टूटेंगे जब KGF के चैप्टर 2 से बेहतरीन फिल्म कोई बनकर आएगी सिनेमा घर में। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि भैया KGF के चैप्टर 2 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं, यानी कि आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 5वां दिन है। यानी कि भैया आज से इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर वर्किंग डे शुरू हो चुका है पहले मंडे के माध्यम से,
यानी कि भैया फाइनली इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड कंप्लीट कर लिया है, और भाई पहले ही वीकेंड के माध्यम से इस फिल्म ने हिंदी डब वर्जन के माध्यम से जो कलेक्शन पूरे इंडिया से हासिल किया है ना, उसी को देखने के बाद ये बात मैंने आप लोगों से कही कि भैया ये रिकॉर्ड तभी टूटेगा जब केजीएफ के चैप्टर 2 से बेहतरीन फिल्म बनकर कोई सिनेमा घर में आएगा। यानी कि भैया हिंदी बेल्ट में हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से अब तक बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म नंबर 1 के पोजीशन पर आ चुकी है अपने पहले वीकेंड के कलेक्शन के माध्यम से। यानी कि इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है आमिर खान की फिल्म धूम 3, जिसने पहले वीकेंड के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से जो कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 100 करोड़ 61 लाख का। और उसके बाद इस लिस्ट में 4th नंबर पर जो फिल्म है वो है सलमान खान की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि टाइगर जिंदा है, जिसने हिंदी बेल्ट से पहले वीकेंड के माध्यम से जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 114 करोड़ 93 लाख रुपीज का। उसके बाद इस लिस्ट में 3rd नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर, जिसने पहले वीकेंड के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 159 करोड़ 70 लाख रुपीज का। उसके बाद इस लिस्ट में 2rd नंबर पर जो फिल्म है वो है बाहुबली का पार्ट 2, जिसने हिंदी लैंग्वेज में पहले वीकेंड के माध्यम से जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 128 करोड़ का। और भाई इन चारों फिल्मों को पहले वीकेंड के कलेक्शन के माध्यम से भैया केजीएफ के चैप्टर 2 ने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है मेरे भाई। यानी कि भैया केजीएफ के चैप्टर 2 को हिंदी बेल्ट में जो अब तक कलेक्शन मिल चुका है 4 दिनों के माध्यम से, तो भैया वो आंकड़ा है 193 करोड़ 99 लाख रुपीज का। तो भैया इन दिनों जिस तरीके से केजीएफ के चैप्टर 2 ने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाने शुरू किए हैं, कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने शुरू किए हैं, उसको देखने के बाद भैया ऐसे लगता है कि भैया आने वाले दिनों में ये फिल्म अपने साथ कई सारे ऐसे कीर्तिमान जोड़ के चली जाएगी जिसको तोड़ने के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और भैया जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में और भी ज्यादा मेहनत होगी तो भैया हमें और भी अच्छी फिल्में सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के बारे में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है केजीएफ के चैप्टर 2 का जो ये रिकॉर्ड इन दिनों हम लोगों के सामने बनता नजर आ रहा है उनको कौन तोड़ सकता है मेरे भाई, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।